उम्मीद कर तो आप सब ठीक होंगे और जो वक्त चल रहा है अभी पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से बहुत से अपने हमारे से छूट चुके हैं और बस हमें कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द इस वबा से हम निकलें और केयर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज वीडियो जो है वो ग्रूमिंग के हवाले से है। जब आप लोग लॉन्ग कॉर्ड या जर्मन शेपर्ड, लैब्रा, हस्की, उनके लिए ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। इस ब्रशिंग से ये फ़ायदा होता है, इनके जितने भी बाल जो वेस्ट हैं, जो बाल टूट रहे हैं, वो बीच में रह जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खुश्की भी हो जाती है और इनके बालों की शाइनिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है और डेड बाल जो होते हैं वो दूसरे बालों को ग्रोथ नहीं करने देते। तो इसलिए ब्रशिंग करना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली लोग घरों में जो लोग हैं वो बस यूं पकड़ के यूं मार दिया, यूं कर दिया तो उनका काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ऊपर कर लो, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपको क्या करना होता है कि जिस तरह वुमेन, लड़कियां, वो लोग पार्टीशंस करती हैं बालों को और उस तरीके से बालों पे ब्रश करती हैं, अच्छे से बालों को सीधा करती हैं, और इसी तरह इन लोगों की भी अपने हाथों से, मैं क्लोजअप में दिखाऊंगा, अपने हाथों से पार्टीशन करनी पड़ती है और साथ साथ उनको बालों को सीधा करना पड़ता है। तो अभी क्लोज लेंगे और आप देखेंगे ब्रश किस तरीके से इनको ग्रूमिंग की जाती है, इनकी ब्रश की जाती है ताकि जो डेड जो हेयर हैं वो भी इजीली बाहर निकल सके। आई क्लोज में देखते हैं और क्लोज करें, इतना क्लोज। अभी बालों का रुख इस तरह है, इस तरह से है, ठीक है, और हम इन बालों को इस तरह से पकड़ेंगे, दूसरी साइड ऑपोजिट बालों को पकड़ के और इस तरीके से ब्रश रख के ये चीज करेंगे। जब आपका ब्रश रुक रहा है, अब यहाँ पे ब्रश नहीं रुकेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक डेड हेयर जो है, जो डेड इसमें बाल हैं, जो बाल चिपके हुए थे, जो बाल जुड़े हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, वो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस चीज़ को करेंगे, जब तक आपको फील हो रहा है कि नहीं बाल अभी स्मूथ नहीं है, इस तरीके से नरम नहीं है, इस तरीके से जब इस तरीके से नरम होंगे तो आप फील कर लेंगे कि हाँ यार अब इसके बाल जो है डेड बाल जो है वो निकल रहे हैं, चिपके हुए बाल भी ख़त्म हो। तक मेरे ख्याल से आपको, आपके पास अगर लॉन्ग हेयर वाला लोग है जिसमें जर्मन शेपर्ड आ जाता है, काफ़ी ब्रीड्स हैं जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, तो उन्हें वीक में दो दफ़ा लाजमी करें ब्रश, ताकि उनका उनके जो बाल हैं वो अच्छे हों। और ज़रूरी नहीं कि ये ब्रश करने से, ग्रूमिंग करने से इनके बाल अच्छे होंगे, अगर टिक्स इनके टिक्स आ भी जाते हैं, अब क्योंकि डॉग को पैर लेकर जाते हैं वॉक के लिए, किसी पार्क में ले जाते हैं, तो टिक्स आना बहुत कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है और वो आती ही हैं। तो जब आप अपने पेट्स की ग्रूमिंग अच्छी कर रहे हैं ना, तो टिक्स इसके अंदर ठहरेगा नहीं, ग्रूमिंग अच्छी होगी और टिक्स फौरन ऊपर आ जाएगा, नज़र आ जाएगा डॉग ओनर को। डॉग ओनर को जब नज़र आ जाएगा तो डेफिनेटली वो अपने पेट को उससे बचाएगा। और इस तरीके से जब आप ब्रश करते हैं तो भी आपको नज़र आ जाता है कि आपके डॉग को कहीं पे स्किन एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। और अगर टिक्स है तो भी ब्रश करते वक्त आपको पता चल जाता है। 15 से 20 मिनट
जो है उसका ज़रूरी है कि इन्हें ब्रश किया जाए। वीक में दो दफ़ा भी ज़रूरी है, करें आप। और जब आपको लगे कि आपके पेट का जो ग्रूमिंग है अच्छी हो रही है, ग्रूमिंग अच्छी हो रही है, जब तो आपने 15 दिन बाद भी कर सकते हैं। जब आप देखेंगे बाल ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं तो आप एक दिन छोड़ के करें। जब आप देखेंगे कि बाल थोड़े निकल रहे हैं, ब्रश करने के बाद बाल थोड़े निकल रहे हैं, तो फिर आप उसको 2 दिन या 3 दिन के बाद करें। इसी तरह से आप एक टाइम आ जाता है कि आप ब्रश कर रहे हैं और ब्रश में बाल नहीं आ रहे। जब बाल नहीं आ रहे तो महीने में एक दफ़ा आप करें। तो पंजाब में इस वक्त गर्मी है, अच्छी खासी गर्मी है, ये क्लोज में ना, पंजाब में अच्छी खासी गर्मी है। तो अब जैसे कि ये बाल जो इनके बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जब ब्रश होगा, बाल जब खुले होंगे तो हवा भी पास होगी बालों में। जब बाल जुड़े हुए हैं, वो एक किस्म के जब बाल जुड़ जाते हैं ना तो एक किस्म का कारपेट बन जाता है। तो जब एक स्किन के ऊपर इतना मोटा कारपेट बना हुआ है तो इन्हें हवा कहाँ से लगेगी स्किन पे? ठीक है, ये देखें ये बाल, ये क्लोज, ये बाल जो जुड़े हुए हैं इन्हें खोलना होता है। ठीक है, इन्हें जब इन्हें खोलेंगे तो इनके बालों में हवा भी आएगी। जब बाल खुले होंगे, बाल मुलायम होंगे, तो आपके कपड़ों को बाल भी नहीं लगेंगे। जिमी बस बेटा, बस बाल नहीं लगेंगे और हेयर फॉल नहीं होगा और स्किन भी नहीं खराब होगी। अब बात करते हैं, ये तो होगी बात ब्रशिंग की, ये देखें। ठीक है, तो ब्रशिंग करना बहुत ज़रूरी है बच्चों की। अगर बच्चों को शुरू से स्टार्ट में ही ब्रशिंग की जाए, वीक में 1 टाइम भी की जाए, तो वो उनकी ग्रूमिंग ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो गर्मी बहुत है, इसी तरह से हम बात करते हैं शैम्पू की। शैम्पू यूज़ करना चाहिए, मुख्तलिफ ब्रांड होते हैं और मेडिकल शैम्पू जो है आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें जो इंसानों के लिए शैम्पू यूज़ होता है वो यूज़ ना करें, मुख्य ब्रांड है तो वो यूज़ करें। शैम्पू 15 दिन में एक दफ़ा ज़रूर अपने पापी को शावर दें और उसके बाद जो है कोशिश करें कि वॉक आप जिस जगह पे क्लोज करना, वॉक जिस जगह पर आप करवा रहे हैं वो गंदी जगह ना हो, घास वाली जगह हो, पार्क हो, मिट्टी वाली जगह से भी बचाएं, क्योंकि डस्ट इसके अंदर आएगी, स्किन खराब होगी। बाल शाइन करने चाहिए और ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं डाइट। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें चिकन के साथ वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल के इस्तेमाल से इनके विटामिन पूरे रहेंगे और इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, बाल अच्छे शाइन करेंगे। और उसके बाद एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, क्लोज सामने बैठना, वो चीज़ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आप लोगों के साथ सामने, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आपसे, वो ये कि डिवर्मिंग का ख़ास ख्याल रखा करें। और जिमी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, बस डिवर्मिंग का ख्याल रखा करें और आप इनके पानी का ख्याल रखा करें। दिन में 4 से 5 दफ़ा इनका पानी आप दिया करें और रात को पानी चेंज कर दिया करें, ताज़ा पानी दिया करें। और
वैक्सीनेशन का भी मैंने आपको बताया हुआ है, डिवर्मिंग का भी बताया हुआ है। अब इसकी आइज इस टाइम जो ये इशू कर रही है, इसकी डिवर्मिंग का टाइम आ चुका हुआ था, तो डिवर्मिंग इसकी होगी है, 1 वीक तक इसका ये इशू ठीक हो जाएगा। और डाइट के हवाले से इवा इधर आओ कम, इवा इधर आओ कम, डाइट का ख्याल रखें, पानी का ख्याल रखें, खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करें और गर्मियों में खाना कम दें। अगर आप अपने पेट्स को 3 टाइम दे रहे हैं खाना, इधर आओ इवा, इवा कम, तो कोशिश करें कि 2 टाइम कर दें। और दही का इस्तेमाल करें गर्मियों में, पत्ती लस्सी जिसको कहते हैं, पानी डालकर यूज़ करें। और पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कोशिश करें डायरेक्ट धूप में ना हो, हस्की हो जाए, कोई भी पेट हो, गर्मी से उससे बचाएं। और फ्रेंड्स, नीचे किसी किस्म का भी आपको राय चाहिए हो, टिप्स चाहिए हो डॉग के हवाले से, आप मुझे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें। फेसबुक पे पेज है दानिश डॉग चैनल के नाम से, आप उससे भी फॉलो करें। और आज तक तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज ग्रूमिंग के हवाले से मैंने ये वीडियो की है आप लोगों के लिए, और अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसे करने के लिए, तो इसकी वीडियो बनाकर आपको दूसरी वीडियो के लिए होगा, कुछ सिनेमैटिक इसकी वीडियो बनाऊंगा। आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।